नमस्कार, मैं सिद्धार्थ बेरोजगारों की दुनिया में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आप जानते हैं रोजगार बैच का ये हमारा SI टॉपिक चल रहा है, ठीक है, और बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स है आप सभी की ओर से और हमें भी इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है। सभी स्टूडेंट्स के बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है, हर चीज़ कॉन्सेप्चुअल है, रटुआ बिल्कुल नहीं रहे हम लोग और एक एक चीज़ हर बंदे के बिल्कुल क्लीन होती जा रही है दिमाग में, ठीक है। उसी का आज नेक्स्ट वीडियो होगा और आज हम इसमें अपने SI के टॉपिक को बिल्कुल कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि 41 तक हम सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कर चुके होंगे। हर क्वेश्चन को मैं डीपली आपको समझाने की कोशिश करता हूँ और मेरा बस यही एक मोटिव है कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा देर ना स्टार्ट करते हुए करते हैं स्टार्ट। कभी कभी ना भावनाओं में बहकर ये पता नहीं रहता कि क्या बोल दिया गया है, ठीक है। आप सोचते होंगे कि सर तो पता नहीं उल्टा बोल गए, तो ऐसा अक्सर होता है, ठीक है। तो उसको आप इग्नोर किया करें और बस वीडियो को आप लोग इन्जॉय किया करें। तो लास्ट वीडियो तक हम 31 क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुके हैं, आज हम करेंगे 32 से डिस्कस। और 32 से पहले याद कीजिए, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक क्वेश्चन करने के लिए कहा था और मैंने कहा था कि आप लोग इसकी शॉर्ट ट्रिक खुद ट्राई करना। अब किसी ने की होगी और किसी ने नहीं भी की होगी, हो सकता है बहुत सो ने की हो उनसे हो गई हो और कुछ ने की हो और उनसे ना भी हुई हो, तो कोई बात नहीं है। हम आज क्वेश्चन था वो हमारा 21 और 21 के देखो आज मैं आपको अजब गजब के तरीके बताने वाला हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम किस किस और तरीके से कर सकते हैं। तो 21 क्वेश्चन फिर से मैं आपकी स्क्रीन पर लगाना चाहूँगा, यहाँ पर देखिए ज़रा। मैंने कल आपको 21 क्वेश्चन बताया था, जो कि ये क्वेश्चन था, विश्वास ने कुल 30,000 रुपये उधार लिए। तो हमने इसका क्या किया था, हमने यहाँ पे क्या किया था, इसका बेसिक तरीका तो हमने डिस्कस कर लिया था। आज जो है हम लोग इसका क्या करेंगे, एक शॉर्ट मेथड इसका हम डिस्कस करेंगे और एक नई खुशी की बात यह है कि हम लोग दो मेथड यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जौन सा आपको अच्छा लगे वही आप कर लेना, ठीक है भाई। हाँ, तो देखिए फिर करते हैं हम लोग स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर है अपना 21। तो देखिए 21 में क्या बोला गया, 30,000 रुपये उधार लिए, ठीक है। इसका 1/12%, ध्यान समझना, 30,000 रुपये लिए उधार, इसका 1/12% साधारण ब्याज की दर से तथा शेष भाग 10% साधारण ब्याज की दर से उधार लिया गया, ब्याज की दर से लिया गया, ठीक है। इस तरीके से 1/10% और दूसरा भाग 12%। यदि 2 वर्ष बाद कुल इतने का भुगतान करना पड़ा, 36,480, ये था अमाउंट। ये क्या था हमारे पास अमाउंट, लिख मैं हर चीज़ देता हूँ ताकि आपको अच्छे से यहाँ पे समझ जाए कि किस टर्म को हमने क्या लिखा है। एक बात देखिए, हमने ये भी डिस्कस कर लिया था कि ब्याज कितना मिला था, यहाँ पे ब्याज मिला था 6,480। एक बात मुझे बताइए, ये जो ब्याज है 2 साल का है ना, 6,480 2 साल का ब्याज है, तो 1 साल का ब्याज कितना होगा, 1 ईयर का ब्याज ये होगा 3,240, ऑब्वियसली 3,240 होगा, ठीक है। अब ये बताइए मुझे, हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है लास्ट में क्वेश्चन में कि 12% की दर पर ली गई राशि कितनी थी, 12% की दर पर ली गई राशि कितनी थी, ये वाली पूछी है हमसे। तो हमें ध्यान क्या रखना है, अगर 12 की पूछे तो टोटल को 10 मान लेंगे, जो राशि पूछे उससे अलग जो बचा 10, हम ये मान लेंगे कि पूरी राशि पर कितना दर है, 10% दर है, ठीक। जबकि यहाँ पे 2 फालतू है, इस 2 फालतू से सारा खेल आज हम ख़त्म करने वाले हैं। अगर ये मैं मान लूँ कि 10% ही दर है, तो 1 साल का 30,000 ब्याज बताओ मुझे कितना होगा, 1 साल का 30,000 ब्याज होगा 3,000 रुपये। अगर हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि अपने पास दर 10% है, तो हमारे पास 30,000 पर 3,000 रुपये ब्याज आएगा 1 ईयर का। और मुझे बताइए 1 ईयर का हमारे पास यहाँ से आया 3,240। अब एक बात मुझे बताओ आप, इसमें ऐसा क्यों, यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है, ये 3,240 क्या फालतू है, 3,240 क्यों, सॉरी 240 क्यों फालतू है, यहाँ पे 3,000 है, ध्यान समझिए, यहाँ पे 3,000 है जब हमने ये मान ली कि दर है 10%, लेकिन जो रियल बात है वो तो ये हो रही है ना 3,240। ये 3,240 क्यों हुआ, इसमें 240 क्यों फालतू आया, क्योंकि यहाँ पर 2% दर फालतू है, इसलिए आया,
समझ गए क्या? ठीक है, जब 2% दर फालतू है तो मेरे प्यारे साथी हमने लिखा 2% दर फालतू है, 3240 में 240 क्या है? फालतू। इससे इसको लपेट दिया हमने, 1% बराबर हो गया 120। 1% अब 100% निकाल दो, 100% बराबर आ जाएगा हमारे पास 12,000। 12,000 अपना क्या होगा, यहाँ से आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी है, ऑप्शन नंबर डी। क्या आप इतना समझ गए? ठीक है, अब मैं इसको एक नेक्स्ट दूसरे तरीके से यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि बहुत ही अच्छा तरीका है, इसको भी आप लोग समझ लीजिए ध्यान से। दो तरीके आपके लिए शॉर्ट में यहाँ पे बता रहा हूँ, एक ये भी शॉर्ट ही है, ठीक है, और आपको मज़ा आ जाएगा। अगर सही में आपको भी मज़ा आ गया इस सवालों करके, तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी प्यारे साथियों के साथ आप ग्रुप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरा तरीका इसका। देखो भाई, 30,000 है ना, 30,000 है, हमें ये तो पता है कि हमें जो ब्याज मिला 36,480 तक में, हमें कितना यहाँ पे ब्याज था हमारे पास, ये था हमारे पास 6,480। इससे हमने एक साल का बना लिया था, क्योंकि दो साल दिए हुए थे, तो एक साल का बनाया हमारे पास, कितना बन गया था, 3240 बना। अब देखिए, ये एक साल का ध्यान देना, तो बात ही तो दो साल की, हमें निकालने सबसे पहले यहाँ पे हम क्या निकाल लेंगे, कंप्लीट दर निकाल लेंगे। कौन सी दर होगी वो, जो 10% और 12% के बीच की आएगी, ध्यान देना, 10% और 12% के बीच की आएगी। जैसे 10% और 12% के बीच की हम दर निकाल लेंगे, तुरंत हमारा एक मेथड काम करेगा, उस मेथड का नाम होगा हमारा एलिगेशन, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। देखो भाई, 3240 हर साल ब्याज मिलता है, साल केवल दो हैं, इसलिए दो सालों का था हमारे पास इतना, तो अगर हर साल कितना मिलेगा, 3240 कितने पर, 30,000 पर 3240 ब्याज मिलेगा। परसेंट निकालने के लिए हम गुणा 100 से करते हैं, 2020 कट जाएगी, जैसे ही हम भाग लगाएंगे 300 से 3240 को, तो हमारे पास आएगा काट करके ये 10.8, काट लेना खुद चाकू छुरा लेके, ठीक है, काट लेना इसको। अब देखो यहाँ से कितना बचेगा हमारे पास, यहाँ से हमारे पास बचेगा 1.2 और यहाँ से हमारे पास बचेगा ये 0.8, ठीक है, तो हमारे पास ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 2, 3 और 2 कितना, 5, 5 ही वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है, 30,000 भाई, कुल धनराशि हमारे पास आ गई 3:2 के अनुपात में, जबकि हमारे पास वैल्यू क्या दे रखी है, टोटल 5:5 की वैल्यू है 30,000। 1:600 के आ गया, 1:600, तो 3:1800 और 2:, भाई 1:600, 3:1800, 2:, कितना, 1200 ना, ठीक है, हमसे क्या पूछा गया, 600, ठीक है, 6,000 आएगा मेरे ख्याल से, 6,000, ठीक है, तो ये 18,000 आ गया और ये क्या आ गया, 12,000। उसने क्या कहा था हमें, उसने हमें क्या कहा था कि 12% वाली निकालनी है, कितने परसेंट वाली, 12% वाली, ठीक है, तो 12% वाली यहाँ पे 21वें का इसने क्या आंसर दिया हुआ है, 21वें का आंसर डी है, डी, ठीक है, तो ये हमारा 12,000 हमारा जो है आंसर आ गया, ये 12,000 देखो जरा, 12,000 ये रही 12,000, ठीक, और ये 2 जो है किस पर है, 12% वाली पर, तो हमारा 12% पे आंसर कितना आ रहा है, 12,000। तो मुझे भी बहुत खुशी हुई आपको दो तरीके समझाते हुए, और मुझे यकीन है कि आपको भी बहुत खुशी हुई होगी कि इसके हमने टोटल 3 तरीके पढ़ लिए। अब देखो, आपको एक चीज़ सीखने के लिए मिल रही है, हर एक सवाल को यहाँ पर हम हर एक सवाल को कई तरीके से डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन अब एक सवाल को 3-3, 4-4 तरीके से डिस्कस करेंगे तो हम लोगों को बहुत टाइम लग जाएगा, हमें टाइम को भी देखना होता है, आपको एक वीडियो हमें एक लिमिटेड टाइम में बना के देना होता है, तो हमें उस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन फिर भी मुझे ज़रूरत लगी तो मैंने आपको ये डिस्कस कर दिया है, ठीक है। तो आई होप कि आप अपने नोट्स में इसको अच्छे से लिखेंगे और इस पर थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, वीडियो को बार बार जब भी आप देखें शेयर ज़रूर करें, लाइक कर दें, बस यही हमारी खुशी है, बाकी तो हमें कुछ लालच है ही नहीं। देखिए, अब हम भाई कौन से क्वेश्चन पे थे आज के अकॉर्डिंग, चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 32 पर, 32वां प्रश्न, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा।
एक व्यक्ति 10,000 के एक भाग को, एक व्यक्ति है 10,000 के एक भाग को 5%, ठीक है, एक भाग को 5%, ठीक है, दूसरे भाग को 6%, ठीक, और पर निवेशित करता है एक भाग को 6% पर, एक भाग को 6% पर, अरे ये 33 लिख लिया हमने, ये 33 लिख लिया, हमें जाना है क्वेश्चन नंबर किस पर भाई, 32 पर, ठीक। तो पहले हम वही डिस्कस करते हैं, एक व्यक्ति क्रमशः 6 वर्ष, 10 वर्ष तथा 12 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की, देखो 6 साल, ठीक, और 10 साल, ठीक है, और 12 साल के लिए साधारण ब्याज की क्रमशः 10%, 12% व 15% वार्षिक दर पर धन लगाता है। तो 6 साल के लिए जो धन लगाया वो कितनी दर से लगाया, 10। मैंने आपको एक चीज़ क्लियर पहले ही कर दी थी यहाँ पर, क्या क्लियर किया था मैंने आपको कि भाई समय जितना दिया हुआ हो और दर जितनी दी हुई हो इनकी आपस में गुणा करके हम लोग एक कंप्लीट दर बना लेते हैं, और उस दर से ही अगर उस गिवन प्रिंसिपल वैल्यू का, उस कंप्लीट दर का हम परसेंटेज वैल्यू निकाल दें तो हमारे पास SI निकल जाता है। अगर आप रेगुलर वीडियोस देखते हैं हमारे वाले तो आपको ये पॉइंट पहले ही क्लियर होगा, 12 और कितना आ गया भाई 15, ठीक है, ये दिया हुआ है, परसेंट लगा सकते हैं चाहे तो, वरना कोई खास इशू यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है। दोबारा से मैं पढ़ता हूँ, एक व्यक्ति 6 वर्ष 10 वर्ष तथा 12 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की क्रमशः 10%, 12% तथा 15% वार्षिक दर पर धन लगाता है, यदि 3 वर्ष बाद प्रत्येक स्कीम से बराबर ब्याज मिले, ठीक है, तो 3 वर्ष बाद, देखो लगाया तो टोटल 6 वर्ष के लिए है 10%, दूसरा लगाया है पूरे 10 वर्ष के लिए 12% पर, और तीसरा लगाया है 12 वर्ष के लिए 15% पर, लेकिन जैसे ही 3 साल हो गए, हर धन को लगे हुए जैसे ही 3 साल हो गए तो ये धन बराबर हो गया, उस मेरे दोस्त का कहने का इतना सा ही मतलब है, बाकी और मतलब नहीं है, 3 साल होते ही ये धन क्या हो गया, बराबर हो गया, ठीक। चलो भाई यहाँ से देखते हैं, 3 तो कट ही जाना है, 3 कट जाएगा, इसलिए 3 को लिखने का कोई खास इंपॉर्टेंस यहाँ पर नहीं है, इसको हम लोग हटा देते हैं, ठीक है। अब परसेंट भी हट जाएगा क्योंकि बराबर है, ठीक है, समझ रहे हो, यहाँ पर हमारे पास इसको हम सॉल्व कर लेंगे, पहले एक बार लिख लेते हैं अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, 120 हो गया और ये हमारे पास हो गया 180। अब देखो प्यार से काटेंगे, प्यार से, और प्यार से आप जानते हो हर चीज़ कट जाती है, अच्छी अच्छी हस्तियाँ मिट जाती हैं प्यार से। तो अब हमें इनका रेशो निकालना है, इनका हमें रेशो, रेशो कैसे निकालेंगे, अगर पहला निकालना हो तो 2 3 6, दूसरा निकालना हो 3 1 3 1 3, तीसरा निकालना हो 2 6 3 2। उत्तर टीप लेते हैं एक बार, क्या आ रहा है हमारा आंसर, 6 3 2 है तो ऑप्शन में, डी में, एक बार मैच कर लेते हैं कि भैया डी में ही है क्या 32 का, और ये सही जवाब, आपको मिलते हैं पूरे 5 करोड़ रुपए। तो ये 32वें का डी आंसर हमारा सही है, 31वें वाले का भी डी था हमारा, ठीक है, 31 का भी डी था और हमारा 32 का भी डी ही आ चुका है आंसर, बहुत ही खुशी का माहौल है इस समय, हर एक सवाल हमारा सही हो रहा है, गलत होने की आज कोई गुंजाइश नहीं है। चलते हैं अब अपने 33 में, देखो क्या कहा गया भैया, एक व्यक्ति 10,000 के एक भाग को 5%, दूसरे भाग को 6% दर पर निवेशित करता है, कुल रुपए 10,000, एक भाग 5%, एक भाग 6%, 6% और ये 5%, मान लो 6% पर राशि लगाई ए, इसमें से ए, अब जो बच गई वो लगाई मान लो 5% पर, 10,000 माइनस ए, नो डाउट। आगे यदि 5% पर निवेशित राशि 6% पर निवेशित राशि से प्रतिवर्ष इतने अधिक ब्याज दे, तो 6 वाली से ज़्यादा ब्याज कौन दे रही है, 5 वाली, ये वाली ज़्यादा ब्याज दे रही है,
इसके मुकाबले। लेकिन मेरे भाई ने क्या पूछा, उसने मेरे बड़े भाई ने क्या पूछा, तो 6% पर निवेशित धनराशि कितनी है, 6% वाली धनराशि पूछ रहा है। इसका मतलब 6% पर तो हमने ए मान ली ना, तो हमें ए का मान निकालना है। देखो बड़े प्यार से करेंगे, ज़्यादा जब भी ये कहे कि इतना ज़्यादा मिल रहा है इतना कम मिल रहा है, तो पक्का एक पॉइंट काम करेगा डिफरेंस का, ध्यान रखना हमेशा। अच्छा एक बात है, मान लो दो लड़के हैं, ये दो लड़के हैं, ठीक है, ये दो लड़के हैं, बॉय वन बॉय टू, तो हम ये कह सकते हैं कि बी वन बी टू से छोटा है या कम है, बी वन बी टू से कम है, तो कम वाले पॉइंट में भी इनका डिफरेंस ही हुआ ना। मैं ये कह सकता हूँ कि बी टू बी वन से ज़्यादा है, बी टू बी वन से ज़्यादा है, तो तब भी डिफरेंस की तो बात हो रही है, तो ज़्यादा और कम तब भी कहे तो डिफरेंस की बात होगी। एज आई थिंक कि आपको ये पॉइंट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। कितने साल की बात कर रहा है मेरा साथी, वो प्रतिवर्ष, कोई साल दी नहीं तो एक साल की बात होगी, इसका मतलब 76.5 रुपये अधिक ब्याज दे, देखो इसमें अधिक मिल रहा है पांच वाले में, तो हम सबसे पहले पांच वाले को अधिक रख देंगे, ठीक है। ये पी हो गया, प्रिंसिपल इतना हो गया, इसके लिए कोई इशू नहीं है, परसेंट यहाँ पे लगा के चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे 100 रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, डिफरेंस लेंगे क्योंकि मैंने आपको बता दिया अभी, ठीक है। 6 के साथ परसेंट लगा के ए लगा लेंगे, समय यहाँ पर भी एक साल है, और यहाँ पर भी कितना ले लेंगे, एक साल, 76.5, ठीक है, इतना मिल गया। अब ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, 5A%, 5 की इसमें होगी ए, 5A 6A दोनों माइनस हैं, तो माइनस के 11A, इसके साथ परसेंट लगा लो, मज़ा आएगा। 5% की गुणा हमने इसमें कर दी, हमारे पास 5% है, ध्यान देना, परसेंट के साथ दो जीरो की दुश्मनी, 500 आ जाएगा, प्लस 500, ठीक है, प्लस 500 कितना बचा, 76.5, यानी कि 76.5, इसे हम घटा देंगे, 76.5 इसमें से 500 घटाएंगे हम लोग, ठीक है, अपने पास ये बचेगा 11% इंटू ए। जब हम घटाएंगे तो घटा के देख लेंगे, घटाना वैसे मुझसे आता तो है नहीं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँ घटाने की, देखना भाई ज़रा। हम क्या करते हैं, उल्टा घटा लेते हैं, 500 में से 76.5 घटा लेते हैं, कोई बात नहीं है, माइनस बाद में लगा लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। इधर से एक दे दिया इधर, ठीक है, यहाँ पे 10 जीरो में जीरो गया, 10 हो गया, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे 9 में 6 गया 3, यहाँ पे 9 में से 7 गया 2, और यहाँ पे कितना बचा, 4, कितना बच गया, 4 4 बच गया, ठीक है। तो इधर हमारे पास ये माइनस के बचेगा, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, तो हमारे पास देखना ये बच गया माइनस के 423.5, और इधर हमारा कितना बच गया भाई, माइनस के 11% ए, परसेंट से परसेंटेज ख़त्म कर दिया। देखो ये परसेंट जो है, ये परसेंट 100 है ना, नीचे 100 है, इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, दैट मीन्स इतना जाएगा हमारा, ये आ जाएगा, ठीक है, तो ये ए का मान आ गया हमारे पास, कुछ ज़्यादा नहीं आ रहा क्या ये भाई हमारा ए का मान। अच्छा 11 से भी तो काटना है, हम घबरा गए थे अभी, 11 से भी तो काटना है, हमारे दिल की धड़कनें हो गई थी तेज, हमें लगा कि आज फिर ओवर कॉन्फिडेंस में मामला हो गया ख़राब, लेकिन ख़राब नहीं, संभाल लिया हमने। 11 से काटेंगे, जीरो का तो भी भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, जीरो को भूल जाओ भी, 11 से काटा, 11 तिया 33 बचे 9 इधर चले गए 93, 11 8 88, 5 इधर, 11 5 55 बचा 0 ए। तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई 6% वाली राशि की, वो आ गई हमारे पास 3850 रुपये। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे आराम से आंसर कर देंगे, ठीक है। थोड़ा सा हल्का सा आपको छोटा सा एक दो स्टेप फालतू लग सकते हैं, लेकिन आई थिंक ये एक बेस्ट तरीका होगा इसको करने का, तो आप इससे इसका आंसर लेके आ सकते हैं। अगर ऐसे सवालों के मुझे और भी कोई मेथड मेरे दिमाग में आते हैं तो मैं आपसे डिस्कस जरूर करता हूँ, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक सवाल के चार तरीके ध्यान में आ गए हमारे, और कभी कभी ऐसा होता है कि एक सवाल का एक तरीका भी ध्यान में नहीं आ पाता तो होता है कभी कभी, ठीक। जब जब दिमाग और मूड अच्छा रहता है तो आपको पढ़ने में मज़ा आता है, और सवाल के कई कई तरीके हमारे दिमाग में तैरते रहते हैं, ठीक है। अब हम भागते हैं अगले क्वेश्चन पे,
और अगला क्वेश्चन भागने के बाद मिला 34वां। कहा गया है इस क्वेश्चन में, मार कर रख देते हैं, उसने कहा कि भाई 2500 रुपए का, रुपए हैं 2500, कौन से क्वेश्चन की बात हो रही है, 34 की। तो देखो 2500 है रुपए, 2600 क्यों बनना है मेरे बाप, 2500 है रुपए, ठीक। बात हो रही है कितने साल की, 6 साल की। उपचित ब्याज, जो ब्याज बिल्कुल सीधा साधा हो उसे हम क्या कहते हैं, सरल ब्याज, साधारण ब्याज। इसी दर पर तथा इसी अवधि के लिए, इसी अवधि के मतलब 6 साल के लिए, जो यहाँ पर दर होगी, ध्यान देना, पॉइंट क्लियर कर रहा हूँ, जो यहाँ पर दर होगी यहाँ पर भी उसी दर की बात की गई है, ठीक। पर 6875 का, 6875 का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, देखते हैं। देखो अगर हम यहाँ से दर निकालने में कामयाब हो गए, यानी कि दरवाज़ा, अगर यहाँ से दरवाज़ा निकाल दिया तो उस दरवाजे को यहाँ लगा देंगे और उस दरवाजे से हम बाहर निकल आएंगे, कहाँ पर, सिंपल इंटरेस्ट पर। तो देखो ध्यान से, मुझे ये क्या पता लग रहा है यहाँ से देखने पर कि मेरे पास इस राशि पर जो 6 साल का ब्याज है वो इतना है, तो 6 साल का ब्याज पता है, तो क्या मैं 1 साल का निकाल सकता हूँ, ठीक है हम 1 ईयर का निकालते हैं। 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट 1875 बटे 6 तो डिवाइड कर देंगे भाई से, 6 से जब डिवाइड करेंगे तो 6 तिया 18 भाग जाएगा 1 को 12, 1 बार भाग गया तो 1 इधर 15, 6 दूनी 12 बचे कितने, 3, 6 पंजों के 30। 1 साल का सरल ब्याज हमारे पास आ गया, हर साल इतना ब्याज मिलेगा। एक बात बताओ, जब राशि हमारे पास 2500 रही होगी तो 2500 पर 1 साल में कितना ब्याज मिला होगा, 312.5 गुणा लगाया होगा 100 से, ठीक है, ये आ गया हमारे पास आर। 25 से जैसे भाग लगाएंगे तो 12.5 यानी कि 12.5 अपने पास आ जाएगा, इतने परसेंट, ठीक ठीक है, 12.5 आ जाएगा, ठीक है। कैसे, यहाँ से 0 आ जाएगी ना, 10 आ जाएगा नीचे, 25 से काटेंगे 31 25 से कितनी बार कटेगा हमारे पास, ये यहाँ पर 25 से 12 125 बार कट जाएगा, 125 बार कट जाएगा हमारे पास, ये दिखाई तो दे रहा होगा ना ऊपर आपको, ठीक है 125 बार कट जाएगा तो ये 12.5 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है 12.5, ठीक। चलो अब हम देखते हैं यहाँ पर इसका निकालते हैं हम लोग। एक बात मुझे बताना, अगर मैं यहाँ पर 12.5 लिखता हूँ, 12.5% हमारे पास दर आ गई, मैंने आपको क्या बता रखा है, समय का और दर का गुणा करो, जो भी प्रिंसिपल है उसका उतने परसेंट निकाल दो, आंसर आपके चरणों में होगा और आपके पैर छुएगा। तो देखो कितना है हमारे पास, कितना है 6875, टोटल दर कितनी हो गई 6 साल के लिए, 12.6 72 और 6 5 30 75%, इसका 75% निकाल दो, मतलब 75/100, 25 तिया 25 चौक गुणा लगा दो, भाग लगा दो, 4 एकम 4 दो इधर गए 28, 4 7 28 भाई, 4 एकम 4 दो इधर, 4 7 28 4 एकम 4 तीन इधर, 4 8 32 बचे कितने, 2, 4 5 20 3 से गुणा लगा देंगे तो हमारे पास 3 5 15 का 5 का हासिल 1, 3 8 24 और 1 25 का 5 का हासिल 2, 3 एकम 3 और 2 5, ठीक है, और 3 7 21 का 1, 3 7 21 का 1 हासिल 2, 3 एकम 3 और 2 5, तो 51.55। एक बार भाई मैच कर लेते हैं क्या आंसर दे रखा है इन्होंने, कितना आ रहा है भाई आंसर, कहाँ गया भाई कहाँ गया, क्वेश्चन नंबर था हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 34, हाँ इसमें ऑप्शन हमारा कोई मैच नहीं कर रहा, इसका मतलब हमारा ऑप्शन होना चाहिए डी, 34 में 51.55, इसमें कोई ऐसा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, आप देख सकते हैं, और हमें डी ऑप्शन पे जाना पड़ेगा, और डी ऑप्शन में एक बार देख लेता हूँ अपना आंसर मैच करके। जी हाँ बिल्कुल हमारा सही जवाब है,
51,56.25। भाई इसको सही से एक बार गुणा कर लेना आप लोग, ठीक है। यहाँ शायद 56 आएगा, 8 3 24 और 2 26 का 6 आएगा, ठीक। तो ये एक बार आप देख लेना, छोटी मोटी गड़बड़ी बड़े बड़े शहरों में होती रहती है। चलो भाई अब मैं बढ़ता हूँ आगे, ठीक। बेइज्जती करा दी इस पांच ने मेरे यहाँ पे, ठीक है, बेइज्जती करा दी। देखो कोई बात नहीं, छोटी छोटी बेइज्जती होती रहती है, होनी भी चाहिए। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर अपना 35। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कहा गया, एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति का नाम है सुहित। कितना गंदा नाम है सुहित, आप में से किसी का नाम सुहित हो तो भाई माफ कर देना। देखो सुहित ने विकास से साधारण ब्याज पर 14% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए 6,300 रुपये उधार लिए। कितने साल के लिए? 3 वर्ष के लिए, ठीक। चलो उधार लिए, उसमें से कुछ और धनराशि जोड़कर मोहित को उतनी ही अवधि के लिए 16% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर उधार दे दिए। इस सारे लेन देन में 618 का लाभ हुआ। उसने मोहित को कितनी धनराशि उधार दी थी? देखो 6,300 रुपये है ना, 6,300 रुपये दिए गए हैं 14% दर पे, ठीक। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। फिर इसमें कुछ और धनराशि जोड़कर मोहित को उतनी ही अवधि के लिए, 6,300 रुपये में ही कुछ और धनराशि जोड़ दी हमने, मान लिया ए जोड़ दी, और इसे 16% दर पर, 16% दर पर उतनी ही अवधि यानी कि 3 साल के लिए दे दिए। इस पूरे झमेले में 618 रुपये मिले ब्याज के। यहाँ से कुछ ब्याज मिला होगा, यहाँ से मिला होगा, वो 618 मिला। तो अब आप इसे सॉल्व कर लेंगे भाई, ठीक है, इसे सॉल्व कर लेंगे। उसने मोहित को कितनी राशि उधार दी? तो देखो जब हम सॉल्व करेंगे, ए का मान निकालेंगे, तो ए का मान हमारे पास कितना आएगा? 5 वाला 100, 500 आएगा, 5 वाला 100 आएगा, ठीक। तो 6,300 रुपये लिए थे मोहित को दिए, 6,300 रुपये मोहित को कुछ और एक्स्ट्रा पैसे मिला के दिए, और वो कितने मिला के दिए? 500। तो इसका आंसर कितना जाएगा हमारे पास? 6,800। इसको आप तमीज़ में सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन होगा हमारा यहाँ पर 36। 36 नंबर अब हम भागते हैं 36वें क्वेश्चन। एक इक्वेशन बनी और काम खत्म क्वेश्चन का। 36, ये जो 36 क्वेश्चन है बड़ा ही शर्मीला क्वेश्चन है, बहुत ही शर्मा रहा है हमसे। देखो समझना ध्यान से, कहा गया श्री वर्मा 14,500 की राशि का 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेश करते हैं। हर बार मैं वैल्यू लिखता जरूर हूँ, ठीक है। इतने पर निवेश करते हैं, टी बराबर दिया हुआ है 6 साल। ब्याज की किस वार्षिक दर पर उन्हें इतने मिलेंगे? इतने मिलेंगे मतलब मूल वाला धन मिलेगा 21,460, ठीक है। हमारे गांव में, हमारे गांव तो नहीं, हमारे पास जो ऑफलाइन क्लास है उसमें एक बच्चा पढ़ने आता है, तो वो चार को, देखो चार को कितने प्यार से, चार को बोलता है चैर। क्या बोलता है चार को? चैर। और साठ, साठ को क्या बोलता है? सैठ। तो बड़ा ही मतलब बोलता हूँ, बड़ा ही प्यारा लगता है। तो गांव में, देहात में ऐसी भाषा होती है, चार को चैर बोलते हैं, साठ को सैठ बोलते हैं, और 45 को क्या बोलते हैं? 45। क्या बोलते हैं? 45। तो ऐसा ही है, ठीक है। तो मज़ा आता है हमें भी, हम भी क्लास में काफ़ी इन्जॉय करते हैं इन बातों को सुन के, और बच्चों को भी हंसाते हैं खूब, तो हम भी इन्जॉय कर लेते हैं, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। कितना ब्याज मिला? कितना ब्याज मिला भाई? घटा देंगे, घटाना मुझसे आता नहीं, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था। तो 21,460 में से हम घटा देंगे 1,450, 0 बची, 6 बचा, इधर से लिया 14 में से 5 गया 9 बचा, यहाँ पे इधर से 10 में से 4 गया 6, इतना बचा, ठीक है। 6,960, ये जो 6,960 है ये 6 साल का है, 6 साल का, 6 से काट देंगे इसे, ठीक है। 116 बार कटेगा, 6 कम 6 और 16 छक्कम 96, इतना आ गया, ये 1 ईयर का ब्याज आ गया। क्या आ गया हमारे पास? 1 ईयर का ब्याज। मुझे एक बात बताओ, राशि तो इतनी है ना, दर निकाल लेंगे हम, तो जब 14,500 रुपये पे अगले साल ब्याज मिला होगा तो 1,160 मिला होगा,
परसेंट के लिए सोते गुणा लगा देंगे, ये आ गया हमारे पास। सोल्व करेंगे इसे, क्या 15 से कट सकता है क्या? 15 सत्ते 105 और 11 पॉइंट में जा रहा है मेरे ख्याल से, ठीक है। तो यहाँ पर 4%, 10%, 6%, 8%, तो यहाँ पर भाई काट के देख लेंगे इसको हम, ठीक है। यहाँ पर मैं मैच करता हूँ क्या दे रखा है आंसर, 36 का कहाँ गया, 36 का आंसर है हमारा डी, यानी कि इसमें कोई मैच नहीं कर रहा, ई ऑप्शन यहाँ पर है। और ये सोल्व करके जो आएगा 36 में, मैं आपको बता देता हूँ एक बार, ये आएगा 8%। एक मिनट, 8% आ रहा है इधर, और यहाँ पर दे रखा है 36 का क्या डी, ठीक है ठीक है, 8% आएगा इससे, 8 बार कट जाएगा, ठीक है। इससे कितनी बार कटेगा, 8 बार। भाई मैं चाहता हूँ कि बस कैलकुलेशन ज़्यादा ना करनी पड़े बोर्ड पे, ठीक, 8%, क्योंकि ये तो आपसे काटने आते ही होंगे। अगर नहीं आते तो मैं कैलकुलेशन पर 2-3 वीडियो बना दूंगा बड़े प्यारे प्यारे से, आप कैलकुलेशन करनी वहाँ से सीख सकते हैं सारी की सारी, ठीक। अब हम यहाँ पे बार बार कैलकुलेशन करें, ठीक है, फ़ायदा क्या उस चीज़ का, वो तो हम लोग खुद भी कर सकते हैं। अगर हमसे कैलकुलेशन ही नहीं आएगी तो हम पेपर में क्या उखाड़ लेंगे भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन 37 को हम सबसे लास्ट में करने वाले हैं, ठीक है। 37 थोड़ा सा, या चलो कर लेते हैं फिर, ऐसी कोई बात नहीं है, हाँ कर लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 37 एक बार कर लेते हैं, 37 देखो, कह रहा है एक महाजन एक ग्रामीण को 4,000 रुपये 3 वर्ष के लिए उधार देता है, ठीक है, रुपए हैं 4 वाले 1,000, ठीक। इसके कुछ भाग पर साधारण ब्याज की दर पर 10% वार्षिक है, 10% वार्षिक है, ठीक। शेष भाग पर 12%, 3 वर्ष बाद कुल 5,300 राशि प्राप्त हुई, कुल राशि मतलब अमाउंट 5,350। एक बात बताओ, शुरू में प्रिंसिपल ये था ना 4,000 से इतने प्राप्त हुई तो कितना ब्याज मिल गया, 1,350 मिल गया। ये 3 साल का ब्याज है, 1 साल का ब्याज निकाल लेंगे, 1 साल का ब्याज कितना आएगा, 1,350 बटे कितना, 3, ठीक। जब हम सोल्व करेंगे तो ये 3×4=12, 45×3=135, 450, हर साल जो ब्याज मिलता है वो 450 मिलता है। उसने क्या कहा, ठीक है, 12% वाली राशि पूछ रहा है। तो देखो, 4% 4,000 पर 10% के हिसाब से कितना ब्याज मिलेगा एक साल का, 400, 12% के हिसाब से कितना मिलेगा, 480, इन दोनों के बीच का ब्याज कितना है, 450, यहाँ कर देंगे इसे हम, तो हमारे पास ये आंसर निकल जाएगा। यहाँ पर कितना आ गया इनका डिफरेंस, 30, यहाँ पर आ गया 50, 5 3 5 आ गया हमारे पास, 3 5 कितना हो गया, 8, 8 बराबर कितना आ गया, 4,000। तो हमारे पास 8 बराबर आ गया 4,000, 8 का कितने गुना है ये, 500 गुना है 8 का। तो उसने क्या पूछा था हमसे, कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ 12% पर कितनी राशि उधार दी। तो 12% वाली तो ये है ना, ये 12% वाली 480 है, तो 12% पर कितने अनुपात दिया, 5, एक 8 का कितने गुना है, 500 गुना, तो इसका भी क्या कर दो, 500 गुना, 5 का 500 गुना कितना जाएगा, 2,500 रुपये। तो ये हमारा आंसर आ गया, आंसर कितना आ गया, 2,500 रुपये, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इसको हम एक और तरीके से भी यहाँ पर कर सकते हैं, वो तरीका क्या होगा हमारे पास, वो तरीका हमारे पास क्या होगा, हाँ ये जल्दी से फटाफट छापो, मुझे लगता है छाप लिया होगा। हम दूसरा तरीका क्या लगा सकते हैं इसमें, दर से दरवाज़ा निकाल लेंगे, एक साल का दरवाज़ा कितना वो निकाल लेंगे, 450 मतलब 4,000 पर दर देख लेंगे, 450 × 100, 3 जीरो से 3 जीरो कट गई। एक बात बताओ, इसे ऊपर कितना लिख लें भाई, हम 4 से भाग करेंगे, 4×1=4 या 10×4=40 या 11 बार कटेगा सीधा, ठीक है, बचेगा 1 × 2.5=10, यानी कि 2×5 इतने परसेंट, ठीक है, परसेंट को छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है, पहली दर थी 10%, परसेंट छोड़ दो कोई प्रॉब्लम नहीं इससे, दूसरी थी 12, 11.25, इनके बीच की आ रही है, कितना बचेगा, 0.75, कितना बचेगा,
1.25 सॉल्व करने में कुछ नहीं घटने वाला, 25 × 3 = 75, 25 × 5 = 125, फिर से 3 × 5 बन गया। तो देखो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, तो ऐसी बात नहीं है, करने के बहुत सारे तरीके मैं भी जानता हूँ जैसे कि दुनिया जानती है। तो ठीक है, हम कर सकते हैं इस तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, तो कर लेना आप लोग भी जब ऐसी बात है तो। इज्जत पे बात आ गई थी वैसे भी आज, चलो कोई बात नहीं है, 38 पे चलते हैं। ठीक है, एक सवाल करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ लेते हैं अगला क्वेश्चन, अगला है 38वां क्वेश्चन। कौन सा है? 38 कहते हैं इंग्लिश में। हाँ, साधारण ब्याज की 4% दर है, 4% दर से 4 वर्ष बाद चार। अच्छा ये जो क्वेश्चन है भाई, भुगतान करना, ये किस्त वाला क्वेश्चन है। ठीक है, किस्त के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा, जो किस्त वाले क्वेश्चन हैं उनके ऊपर एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा, 15 से 20 क्वेश्चन लगभग कराऊँगा, मज़ा आ जाएगा, जानलेवा तरीके से क्वेश्चन कराऊँगा, बिल्कुल जानलेवा तरीके से, जान ही ले लेंगे, इतने गजब तरीके होंगे। ठीक है, कैटेगरी में बांट के पढ़ेंगे, अलग से कर लेंगे। 39 को लास्ट में डिस्कस करेंगे अपन लोग। 40 पे आओ, 40 पे, क्वेश्चन नंबर 40 में देखो क्या कहा। आशीष ने कुछ धन उधार लिया जिस पर ब्याज की दर पहले 2 वर्ष तक 6%। कोई धन है, मान लो पी है, या मानो भी मत, क्या बिगाड़ लेगा वो तुम्हारा, दो साल के लिए 6%, तो टोटल कितनी, 12। 2 साल के लिए 6%, पहले साल 6, दूसरे साल 6, 6, 6, 12, कितनी आ गई, 12। ठीक, अगले 3 वर्ष के लिए 9, 9 + 27 आ गई। तथा इसके बाद 14% वार्षिक थी। अब आपका दिमाग क्या काम करेगा, यार पहले 2 साल के लिए हो गई 6, 6 के हिसाब से 12, फिर अगले 3 साल के लिए 9, 9 + 27, लेकिन ये तो 14 दे दी, समय तो दिया ही नहीं, गड़बड़ जाएगी। आगे पढ़ो, यदि 9 वर्ष बाद उसने कुल साधारण ब्याज, 9 वर्ष बाद, 2 वर्ष यहाँ हो गए और 3 वर्ष हो गए यहाँ, तो 2 और 3 = 5 तो चले गए, बचे कितने 9 होने के लिए, 4, दर कितनी थी 14, तो 14 × 4 कितना, 56। ठीक, उसे कुल कितना साधारण ब्याज मिला, साधारण ब्याज कितना मिला, 1140। समझ गए, इन्हें फटाफट जय ओडे जोड़ लेंगे, कितना आएगा, 95%, कितना हो गया, इतना हो गया, 19 से कटेगा 5, 19 से कटेगा 6, तो 5 पर पे लगा दो सेंट, तो बन गया परसेंट, तो 5 = 600। क्या निकालना है, कुल कितना धन उधार लिया, भैया मेरे कर दो इधर गुणा, किससे, 20 से, क्योंकि 100 पे निकालना होता है, जैसे 20 से लगाओगे गुणा तो ये हो जाएगा 2 गुणा, कितना हो गया, 12, और ये आ गया 12,000। तो हमारे पास जो आंसर यहाँ पे आ गया वो आ गया 12,000। अब मैं टीप लेता हूँ आंसर हमारा सही है क्या, पहला ऑप्शन है 12,000, एक बार इधर भी मैच कर लेते हैं अपने आंसर की में, भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया भाई मज़ा, 12,000 ही आंसर है, इज्जत हो गई, डबल आ गया आंसर पूरा सही, 12,000, इस तरीके से कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पता है आपको मज़ा आ रहा होगा। 41 करते हैं, 41वें क्वेश्चन को, बड़ा ही सुंदर हसीन खूबसूरत बहादुर क्वेश्चन है एकदम, बहादुर कैसे, देखो करके पता लग जाएगा। यदि समान वार्षिक दर से समान समय के लिए, समान वार्षिक दर से यानी कि सेम तो दर है और सेम समय है, किसके लिए, के लिए x का साधारण ब्याज, x मतलब ऐसे मान लो प्रिंसिपल का, इसका प्रिंसिपल जब x है तो इसका साधारण ब्याज कितना है, वह आई वाई। ठीक है, यहां पर हमने मान लिया टाइम है t, समय कितना है t, टमे हमारा क्या हो गया t, टमे t और जो दर है वो है r, दरवाजा क्या है r, कोई डाउट नहीं। दूसरे केस में, दूसरे केस में क्या कहता है कि y का साधारण ब्याज, मतलब दूसरे केस में, इस केस को भी वैसे हम ही लड़ रहे हैं, ठीक, p बराबर y, इसका साधारण ब्याज, सरल ब्याज कितना है इसका, z,
और यहाँ पे भी जो टमय है वो टी है और जो दरवाजा है वो आर है। ठीक, कौन सा कथन, कथन पूछता है भैया कौन सा कथन सही है, कोई दिक्कत नहीं है, इससे हम एक स्टेटमेंट बनाएंगे पूरा। क्या? पी आर टी बटे सो, पी पी कितना है एक्स, आर आर तो आर है, टी टी है, बटे सो, सो लगाने कोई ज़रूरत नहीं है, कान पे मारो खींच के इसके, एक कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पी आर टी, टी को यहाँ पे जो आर है उसको परसेंट में लिख लो भाई, बात तो वही है, नीचे सो लगाओगे, सो क्यों लगा रहे हो, हाथ क्यों दिखा रहे हो अपना, पैर क्यों खर्च कर रहे हो अपना, दिमाग क्यों खर्च कर रहे हो, परसेंट यहाँ लिख लो, और जो ब्याज है वो हो गया वाई। ठीक, दूसरे वाले केस में इस केस को भी हम ही लड़ते हैं, वाई आर टी परसेंट लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, साधारण ब्याज कितना है जेड, इसको मान लो पहला, इसको मान लो दूला, पहला और दूसरा, पहला और, पहला और दूसरा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं है, यहाँ से क्या करेंगे, भाग कर देंगे, भाग मिल्खा भाग, फर्स्ट से या फर्स्ट को सेकंड से या सेकंड को फर्स्ट से, तुम्हारी मर्जी है, मर्जी चलेगी भाई साहब तुम्हारी यहाँ पे, और मर्जी जहाँ चलती है वहाँ तो बात ही अलग है। इसको भाग कर दिया इससे, मतलब इस साइड से इस साइड को, ठीक, या इस साइड को इस साइड से, इस साइड को इस साइड से, तो ये हो गया वाई आर टी, इधर वाई बटे कितना जेड, उधेड़ दो बक्कल, लो उतार दिया, एक्स बटे वाई, वाई बटे जेड, गुणा लगाओ, वाई की वाई में लगाई तो वाई के ऊपर दो चिपक गया जाके, और ये हो गया एक्स जेड, और यही हमारा उत्तर पश्चिम आ गया, क्या आ गया, उत्तर दक्षिण। तो यही हमारा आंसर है, वाई स्क्वायर बराबर एक्स जेड। क्या आप हमारी बात से खुश हुए? अगर खुश हुए तो आपको मिलते हैं पूरे 5 लाख रुपए, अपने खाते में चेक कर लेना, सुबह तक आएंगे। अब देखो भाई 39वां क्वेश्चन, ठीक है, वाई स्क्वायर बराबर जेड एक्स, आंसर चेक कर लेते हैं भाई, कभी बेइज्जती हो जाए हमारी, वाई स्क्वायर बराबर जेड एक्स, बिल्कुल ठीक है, ठीक, बिल्कुल ही सही है अपना आंसर, कोई यहाँ पे इशू नहीं है किसी भी प्रकार का। ठीक है, मुझको आ रहा है थोड़ा सा पसीना जो कि मेहनत का है, इसको मैं लेता हूँ पोंछ और इस पसीने को सिंगवा के रखता हूँ। ठीक है, अब हमारे पास चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। आज थोड़ा सा मूड जो है ना मेरा ठीक है, तो इस वजह से मैं खुशी खुशी पढ़ा रहा हूँ, मज़ा आ रहा है पढ़ाने में। देखो जो क्वेश्चन नंबर 39 है, इसमें एक फॉर्मूला लगेगा, आप अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, ए को बी के 1.5 वर्ष बाद इतने रुपए देने हैं, तो इसमें एक फॉर्मूला काम करेगा, तत्काल, तत् में लगा दो काल, तत्काल दे धन, एक फॉर्मूला है तत्काल धन देना होगा हमें तत्काल, तो ये होता है हमारे पास दे धन गुणा 100 गुणा 100 और 100 दर दरवाजा, दरवाजे के साथ गुणा करनी है टमे की, किसकी गुणा करनी है टमे। देखो अब एक बात क्या कही उसने कि ए को बी के 1.5 साल बाद, 1.5 साल बाद मतलब जब 1.5 साल को हम ऐसे लिखेंगे, 1.5 का मतलब 3 का आधा, 3/2 वर्ष, कितने देने हैं, देखो देने तो दे धन यहाँ पे आएगा, देने वाले धन यहाँ पे आएगा, ठीक, समय यहाँ पे आ जाएगा 3/2 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और दर, दर दे रखी है 14% दर यहाँ पे आ जाएगी, दरवाजा दे रखा है ये, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले वो, अब वो क्या पूछता है, अभी एक दूसरे के कर्ज का निपटारा करना हो, अभी तत्काल मतलब अभी रिसेंटली, तत्काल या अभी एक दूसरे के कर्ज का निपटारा करना हो तो किसको कितने देने होंगे, किसको कितने देने होंगे, ये बात पूछ रहा है वो। तो अगर ए दे रहा है किसको, बी को, तो यहाँ पर दे धन कितना है 1573, 1573 गुणा कितना लगा देंगे 100, नीचे 100 प्लस दर कितनी है, दर है 14%, 14 समय है 3/2, काट देंगे 7 बार कटेगा, 7 21 ऊपर आ गया 1573 गुणा 100 नीचे आ गया 121 काट लेना भाई इसे, ठीक है इसे काट लेना, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा यहाँ पर, कहाँ गया भाई क्वेश्चन, ठीक हमारे पास, ठीक है ये आ गया, एक तो सॉल्व कर लेना इसको,
और जब बी से ए की बात होगी, दूसरा स्टेटमेंट पढ़ेंगे, बी को ए के 6 माह बाद दे धन कितना है, 1444.5। तो 1444.5 इतना गुणा लगाना है 100, नीचे 100 प्लस समय यहाँ पे है 6 महीने, 6 महीने का मतलब 1/2 दर है इतनी, गुणा करेंगे 100 से दशमलव हट जाएगा, 1445, 107 काटेंगे, हमारा यहाँ पे आंसर आएगा। अब देखो यहाँ पे जो आंसर है, किसको कितना रुपए देने होंगे ये पूछा है उसने। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है, पहले तो आएगा 1300 काट के, यहाँ पे आएगा 1300 काट के, 1300 ठीक है, और दूसरे केस में काट के क्या आएगा यहाँ पे, 1350 ठीक है, और इस हिसाब से हमारा आंसर क्या जाएगा, 50 ठीक। तो देखो 1300 रुपये है ना, ये कितना है 1350 ठीक, बी देगा ए को, यहाँ पे ए बी को कितने देगा 1300, लेकिन बी ए को कितने देगा 1350। तो वो क्या कह रहा है, 50 ही तो फालतू दिए ना मेनली, तो क्वेश्चन जो आंसर आएगा बी कोमा 50, तो यहाँ पे आएगा बी कोमा 50 रुपये, यानी कि बी 50 देगा, ये मतलब है ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आ गया वो आ गया इतना। अच्छा और कोई सवाल हमने तो नहीं छोड़ा था ना, जैसे लास्ट में करने के लिए कहा था, नहीं और कोई सवाल हमने नहीं छोड़ा। तो देखो अभी तक हमने जितने भी सारे क्वेश्चन किए हैं बहुत ही खूबसूरत अंदाज में किए हैं, बहुत ही मस्त तरीके से किए हैं, जहाँ पे पॉसिबल हुआ मैंने आपको वहाँ पे अलग अलग तरीके से भी मैंने आपके साथ डिस्कशन किया है। एज आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को जो मैं पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल नीट एंड क्लीन समझ में आ रहा है, क्रिस्टल क्लियर हो रहा है हर चीज़। अगर आपको ऐसा सब कुछ क्लियर हो रहा है, आप नोट्स बना के चल रहे हो, आपको खुशी है इस क्लास से, तो एक लाइक मांग रहे हैं भाई दे दो, एक लाइक कर देना और शेयर कर दीजिएगा आप सभी अपने साथियों के साथ। चैनल पर अगर आप बिल्कुल ताज़े ताज़े आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं, घर में परिवार में बहन भाई चाचा ताऊ फूफा मामा चाचा सब आपके सुख समृद्धि में, आप भी मज़े ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय, टाटा एंड टेक केयर।